मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान भोपाल द्वारा प्रायोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट क्रमांक 1 में प्राचार्य सुशील कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता व समन्वयक डॉक्टर अर्चना शुक्ला के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय में वैज्ञानिकों के चित्रों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। विद्यालय में पहली बार विज्ञान रंगोली का आयोजन डॉक्टर अर्चना शुक्ला के द्वारा किया गया, जिसमें बच्चों ने रोचक तरीके से विज्ञान के चित्रों को रंगोली के रूप में बनाया। बच्चों ने पादप कोशिका, न्यूरॉन, उत्सर्जन तंत्र जैसे चित्रों को रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के दौरान गिद्धों के विशेषज्ञ दिलशेर खान ने बच्चों के साथ अनुभव साझा किया कि किस प्रकार विज्ञान का उपयोग पर्यावरण को बचाने तथा जीव जंतुओं को समझने के लिए किया जा सकता है। इसी क्रम में डॉक्टर रामानुज पाठक ने कई वैज्ञानिकों के बचपन की कहानियां बच्चों के साथ साझा की और बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस तरह से नवाचारों को जन्म देता है। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।